सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। चलिए रुक करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की ओर। बीएसएनएल कर्मियों को दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की दो टूक, कहा काम सुधारो या फिर कंपनी छोड़ो। पंजाब में लंपी स्किन डिजीज से हाहाकार, अब तक 400 से अधिक मवेशियों की हो चुकी है मौत। मणिपुर में शरारती तत्वों ने वैन में लगाई आग, दो जिलों में धारा 144 लागू, साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी किया गया बंद। इसरो ने नए लॉन्च व्हीकल SSLV-D1 का प्रक्षेपण सफलता से लॉन्च किया, लेकिन इसके साथ गए दो उपग्रहों से संपर्क टूटा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपनाया इलेक्ट्रिक व्हीकल, नितिन गडकरी को दिया क्रेडिट। सीएम योगी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई, बोले मात्र शक्तियां कर रही अद्वितीय प्रदर्शन। डीबीआरएयू विश्वविद्यालय में स्थानांतरण में बड़ा खेल, 30 सालों से एक ही विभाग में टिके हैं कर्मचारी, नहीं हो रहा बदला। पूर्वोत्तर रेलवे ने कर्मचारी कल्याण निधि से खरीदा 46,000 झंडा, कर्मचारियों के वेतन से होगी 50 रुपए की कटौती। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव के लिए दी बड़ी जिम्मेदारी। गोरखपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने को खर्च होंगे 1,551 करोड़ रुपए, नए फोरलेन और फ्लाईओवर बनाने की तैयारी। पीटीआई के 4 कर्मचारियों के खाते विदेशी फंडिंग के लिए होते थे इस्तेमाल, होगी मामलों की जांच। सिंगापुर के विदेश मंत्री ने भारत की डिजिटल पहचान और पेमेंट सिस्टम की तारीफ की, कहा हमें बहुत कुछ सीखने की अभी भी जरूरत है। चीनी सैन्य अभ्यास को लेकर बढ़ा तनाव, अब जवान में ताइवान भी भेजे जहाज और विमान। अमेरिका में प्रवासियों से भरी नाव पलटने से 2 लोगों की हुई मौत, 50 लोग हुए लापता। चीन और ताइवान एक दूसरे पर रख रहे नजर, समुद्री सीमा पर एंटी शिप मिसाइल की तैनाती की गई। भारत ने T20 सीरीज के 4th मैच में जीत के साथ बनाई 3-1 की अपराजेय बढ़त, सीरीज पर किया कब्जा। रोहित शर्मा ने तोड़ डाला शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्का लगाने में उनसे भी आगे निकले। इंजरी की वजह से भारतीय तेज गेंदबाज हर्षल पटेल का एशिया कप से बाहर होना तय, T20 खेलने पर भी बना सस्पेंस। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के सेमीफाइनल में स्मृति मंथाना ने जमाया तूफानी अर्धशतक, तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। भारत की विमेंस क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 4 रन से हराया स्मृति मंथाना और स्नेह राणा बनी जीत के स्टार। रणबीर कपूर ने किया खुलासा, कपल ने अयान मुखर्जी से छुपाया था अपना रिलेशनशिप, बोले हमें डर था कि वो नाराज हो जाएंगे। रक्षाबंधन को सेंसर से मिला यूज सर्टिफिकेट, 5 साल बाद यह सर्टिफिकेट पाने वाली बॉलीवुड फिल्म, 2017 में हिंदी मीडियम को मिला था यह सर्टिफिकेट। फिल्म सर्कस की शूटिंग हुई पूरी, फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे रणवीर सिंह, एक किरदार मैजिशियन का होगा।
मिस यूनिवर्स हरना संधू को नोटिस। फिल्म प्रमोशन विवाद में चंडीगढ़ कोर्ट ने 7 सितंबर तक मांगा जवाब, उपासना सिंह ने किया। नूरा सिस्टर्स की ज्योति लेंगी तलाक, जालंधर में अपने पति कुणाल पासी को बताया अव्वल दर्जे का नशेड़ी। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प अब